ऋतु मोहन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ छोले कुलचे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आइए देखते हैं हमें छोले कुलचे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। छोले कुलचे बनाने के लिए हमने लिए हैं 300 ग्राम छोले, ये चार लोगों के लिए काफ़ी हैं। इनको मैंने ओवरनाइट सोक करके और सुबह को प्रेशर कुक कर लिया है। इसमें मैंने 3 विसिल लगाई हैं हाई फ्लेम पर। 100 ml पानी डाल के साथ में मैंने इसमें 1/2 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट लीजिएगा, और पिंच ऑफ सोडा ऐड किया है। ये मैंने बॉन के कुलचे लिए हैं, 6 पीस हैं इसके अंदर। ईस्टर्न का चाट मसाला लिया है, ईस्टर्न का छोला मसाला लिया है, अमूल लाइट लिया है, ये लो कोलेस्ट्रॉल है, लो फैट है, सॉल्ट लिया है, सॉल्ट बहुत कम पड़ेगा क्योंकि मैंने छोले में भी सॉल्ट डाला है, अमचूर पाउडर है ये। बाद में हम गार्निशिंग के लिए अनियन लिए हैं, टमाटो लिया है, चिली ग्रीन चिली ली है, कोरिएंडर लिया है, कोरिएंडर लीव्स। तो आइए अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर दी है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम छोले मसाले ऐड करेंगे, गैस हमने बिल्कुल सिम कर ली है। इसी के साथ हम इसमें छोले ऐड करेंगे, ¼ टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 50 ml मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। हम गार्निशिंग के लिए प्याज कट कर लेते हैं। इसको वॉश कर लेते हैं।
इसी तरह हम टमाटर के स्लाइसेस काट लेंगे। हमारे छोले रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून मसाला, चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसको सर्व करेंगे। इससे पहले हम कुलचे को सेक लेते हैं। गैस ऑन कर दी हमने। गैस हमने सिम कर दी है। अब हम इसमें बटर लाइट लगाएंगे। इसको दूसरे से रख के इसको सेक लेंगे। इधर भी थोड़ा सा बटर लाइट लगा लेते हैं। इसको हम पलट लेंगे। दूसरे कुलचे की मदद से हम इसको सेक लेंगे। सभी कुलचे हम इसी तरह से सेक लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें दूसरा कुलचा ले लेंगे। इसे दबा दबा के इसको सेक लेंगे। गैस हमने बिल्कुल सिम कर रखी है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर लाइट डालेंगे, अमूल लाइट। इसी तरह से हम बाकी के कुलचे भी सब सेक लेंगे। अब हम छोलों को सर्व करते हैं। हमारे छोले कुलचे रेडी टू ईट हैं। आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स ज़रूर शेयर करिएगा। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सभी लिंक्स पर जो कि मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Please hit like, comment and share and stay tuned for more vegetarian recipes
व्लॉग्स एंड माय शॉपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी आपके साथ एक नई रेसिपी लेके फिर आऊँगी। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू।